हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत सारी जो क्यूरीज हैं उनको एड्रेस करने के लिए कि मई इनटेक के लिए यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ऑफर करने शुरू कर दिए हैं या नहीं। मई इनटेक जो 2023 का है वो ऑलमोस्ट जो है वो 50% प्लस यूनिवर्सिटीज़ ने उनका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक नहीं किया। अब जिन्होंने स्टार्ट किया है वो क्यों किया और जिन्होंने नहीं किया वो क्यों नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं। देखें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अभी अपनी जनवरी इनटेक के लिए भी अभी एप्लीकेशंस क्लोज नहीं की, तो वो अभी अपनी नेक्स्ट इनटेक कैसे ओपन कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी मई इनटेक का ओपन कर दिया है उनकी ऑलरेडी जनवरी इनटेक जो है वो फुल हो गई हुई है, वो मैक्सिमम अपनी जो लिमिट है वो उसको जो है उन्होंने क्रॉस कर लिया हुआ है, तो अब वो उन ऑफर्स को जो है वो इशू नहीं कर रहे हैं। अब वो नेक्स्ट में जो इनटेक है उसके लिए कर सकते हैं। तो वो यूनिवर्सिटीज जो आपको ये रिस्पांस कर रही हैं, डेफर कर रही हैं या आपको जो एडमिशन है उसको प्रोसेस नहीं कर रही, तो वो उनको डेफर करके मई में लेके जा रही हैं, या नई एप्लीकेशन है तो उस यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा जाना चाह रहा है तो वो उसके लिए जो है वो मई इनटेक के लिए एडमिशन ओपन है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और वो उसका ऑफर आपको मई इनटेक के लिए आ जाएगा। और वो यूनिवर्सिटी जिसमें अभी जनवरी के लिए अपनी जो लिमिट्स हैं उसको क्रॉस नहीं किया और उनकी अभी एप्लीकेशन अभी भी एक्सेप्ट हो रही हैं, और अगर एक्सेप्ट नहीं हो रही तो अभी फिलहाल वो जनवरी वाले स्टूडेंट्स को ही अकोमोडेट कर रहे हैं और नई जो एप्लीकेशन है उनको अभी नहीं ले रहे। तो आपकी जो कंसर्न यूनिवर्सिटी है उसका सिंपल सा एक प्रोसेस होता है कि आप यूनिवर्सिटी की जो इंटरनेशनल ऑफिस है उसकी ईमेल पे जाएं, वहां पे जाके एक ईमेल उनको ड्रॉप करें कि आपकी जो मई इनटेक है वो स्टार्ट होगी हुई है कि नहीं होगी हुई। वो जैसे रिप्लाई करते हैं तो आप उनके पोर्टल पे जाएं और वहां पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करके उनके यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर दें। जो अभी तक इस हवाले से है उसमें भी बीपीपी यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी अभी तक जनवरी के लिए भी इनटेक क्लोज नहीं हुई और वो स्टिल एप्लीकेशन भी ले रहे हैं और स्टूडेंट्स को अभी उस हवाले से वो प्रोसेस भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है वो उसने अपनी जो मैक्सिमम लिमिट है उसको क्रॉस कर लिया और वो अब मई इनटेक के लिए स्टूडेंट्स को ले रहे हैं। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है वो तो ऑलरेडी मई इनटेक को भी क्रॉस करके सितंबर इनटेक पे ले गए हुए हैं, उनके पास इतनी एप्लीकेशंस आ गई हुई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस हवाले से भी बड़ा इशू आया, उनको ऑटो डाफर कर दिया गया, उनकी यूनिवर्सिटी की फीसें थी वो भी स्टिल अभी रिफंड नहीं हुई, कुछ बच्चे अब उस इनटेक में जाना नहीं चाह रहे, उनको इतना टाइम वेस्ट इन्होंने कर दिया। इस हवाले से मैं सेपरेट आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि इन्होंने किया क्या है स्टूडेंट्स के साथ। तो फर्दर आपका जो मई इनटेक है वो ओपन है यूनिवर्सिटीज में, तो आप उसमें अपनी जो एप्लीकेशन है उसको पुट करें ताकि वो आपका एडमिशन को प्रोसेस कर सकें। थैंक यू सो मच।